श्रीनगर के शोपोर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए रायबरेली जिले के वीर जवान शैलेंद्र प्रताप सिंह का पार्थिव शरीर मंगलवार की शाम को पहुंचा। शैलेंद्र का शव देखते ही घर वालों के सब्र का बांध टूट पड़ा। शहीद की पत्नी तो शव से लिपट कर रो पड़ी। 7 साल का बेटा भी माँ को देख कर रोने लगा, लेकिन मासूम ने हिम्मत बांधकर वीर पिता को सलामी दी। इस दौरान उसने भारत माता की जय के बुलंद नारे भी लगाए। मासूम की इस दिलेरी को वहां मौजूद लोगों से लेकर सोशल मीडिया तक हर कोई सलाम कर रहा है। दरअसल डलमऊ थाना क्षेत्र की मीरा मीरानपुर अलहोरा गांव के रहने वाले शैलेंद्र सिंह श्रीनगर के सोपोर में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। जैसे ही उनके शहीद होने की सूचना मिली तो पूरे जिले में मातम छा गया। सभी के जुबान पर और रायबरेली के लाल के लिए सिर्फ आह ही निकल रही थी। शैलेंद्र सिंह 2008 में 110वीं सीआरपीएफ की बटालियन में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। शहीद शैलेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर रायबरेली पहुंचा तो लोगों का हुजूम उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। पूरे प्रोटोकॉल के साथ जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर उनके निवास मलिक मऊ पहुंचा, वहां लाखों की संख्या में उमड़े लोग गगनभेदी नारे लगाने लगे। शैलेंद्र सिंह अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा शैलेंद्र सिंह तेरा नाम रहेगा, जैसे नारे ही चारों तरफ गूंज रहे थे। सोपोर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए जिले के वीर जवान शैलेंद्र प्रताप सिंह काफी मिलनसार थे। छुट्टियों में गांव आने पर वो छोटे हों या बड़ा सभी से मिलते थे, उनके साथ वक्त बिताते थे, सीमा की रक्षा करते हुए होने वाले अनुभव भी साझा करते थे। शहादत की खबर के बाद से ही गांव में माहौल गमगीन है। सभी उनके साथ बिताए गए पल को याद करते हुए रोने लगते हैं। बीती रात जैसे ही गांव शहीद शैलेंद्र का शव पहुंचा तो पूरा गांव रो पड़ा। सभी शहीद के अंतिम दर्शन को बेताब थे। रायबरेली से पंकज की रिपोर्ट।